बात करने वाले हैं कि लाइपोमा में आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिनको खाने से, जिनको करने से लाइपोमा बढ़ता है, लाइपोमा आपके चेहरे पे तक होने लगता है, लाइपोमा आपके पैरों में तक होने लगता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम वायु दोष के कारण से, बॉडी में एसिड बढ़ने के कारण से, ज़्यादा ओवर ईटिंग के कारण से होती है। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान भी कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसे ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम नहीं करता है, या ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद कुछ गलतियां करते हैं, लाइपोमा ठीक होने के बाद दोबारा भी होने लगता है। दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि लाइपोमा में आप नाइट जॉब ना करें, नाइट में जागना आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप रात को 11-12 बजे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हमारी नींद की कमी हमारे खाना में पाचन पूरी तरह से ना होने का कारण होती है, और जब हमारा खाना पूरी तरह से पाचन नहीं होता है तो हमारी बॉडी में एसिड बनता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, वायु दोष बनता है, जिससे लाइपोमा तेजी से बढ़ने लगता है और आपका डाइजेशन भी बिगड़ने लगता है। इसलिए रात भर ना जागें या नींद कम ना करें, इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचें। इसके बाद दोस्तों, शादी के बाद भी लाइपोमा तेजी से बढ़ने लगता है। अगर आपने शादी कर ली है और आपने लाइपोमा का ट्रीटमेंट भी छोड़ दिया है, तो आपका लाइपोमा तेजी से बढ़ने लगेगा। लाइपोमा के ट्रीटमेंट में मेटाबॉलिज्म पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब बॉडी का स्पर्म रिलीज होता है, तब मेटाबॉलिज्म हमारा गिरने लगता है, पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है, लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया कमजोर होने के कारण से हमारी बॉडी में वायु दोष बढ़ता है। पाचन क्रिया जब कम होगी, आपकी बॉडी में वायु दोष बढ़ेगा और नए नए लाइपोमा बढ़ने की संभावना, और लाइपोमा जो पुराने हैं उनको भी बढ़ने की संभावना तेजी से बढ़ने लगेगी। लाइपोमा में मैंने बताया है कि आप क्या ना खाएं। दोस्तों, जो चीज़ें वायु को बढ़ाती हैं, जो चीज़ें एसिड को बढ़ाती हैं, उन चीज़ों का सेवन हमें कम से कम करना है। जैसे कि आप आलू का सेवन कम करें, जिमीकंद का सेवन, चुकंदर का सेवन कम करें, सलाद में भी गाजर कम खाएं, चुकंदर कम खाएं। आप मैदा बेसन की चीज़ें, आप ज़्यादा तेल की चीज़ें, फास्ट फूड की चीज़ें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, नॉनवेज खाने से लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ना आप अंडा खाएं, ना मांस खाएं, ना मछली खाएं। ज़्यादा पूड़ी पराठे खाने से भी हमारी बॉडी में वायु बढ़ती है और हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है, बॉडी में फैट बढ़ता है, जिसके कारण से भी लाइपोमा बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपको खाने पे खाना नहीं खाना है। आपने सुबह खाना खाया, 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, उससे भी लाइपोमा बढ़ने की संभावना रहती है। जब तक आपको जोर से भूख ना लगे, आपको खाना नहीं खाना चाहिए। आपको लाइपोमा के इलाज में फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है, फल सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ सर्दी का मौसम है तो आप चने को भिगाकर स्प्राउट को लीजिए, स्प्राउट को हल्का सा फ्राई करिए, थोड़ा सा घी डाल के, और उसको आप ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ गर्मी का मौसम है तो फल सलाद ज़्यादा खाइए। खाना के पहले आप 60-70% सलाद खाइए और 30% आप अनाज को खाइए। इससे आपका डाइजेशन बहुत जल्दी से होगा, आपकी बॉडी में कमजोरी भी नहीं आएगी, आप पतले भी नहीं होंगे। अगर आप ओनली अनाज खा रहे हो और कम अनाज कर दिया है, तो आपकी बॉडी पतली भी होने लग जाएगी। पतली होने के कारण से आपके जो छोटे छोटे लाइपोमा हैं या जो पुराने लाइपोमा हैं, वो भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइपोमा बढ़ रहे हैं या फिर नए हो रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें समझनी होगी। आपको दूध का सेवन नहीं करना है, आपको घी का सेवन नहीं करना है। दूध को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल का काम होता है हमारी बॉडी के लिए, और घी हमारी बॉडी में डायरेक्ट फैट बढ़ाता है। इसलिए हमें ऐसी कोई चीज़ जो डायरेक्ट फैट बढ़ाती है या जिसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ का सेवन नहीं करना होता है। लेकिन दोस्तों, हम इलाज के कुछ समय बाद आपका जब डाइजेशन मजबूत होता है, आपकी बॉडी में लाइपोमा में रिजल्ट मिलता है, तो हम दूध भी स्टार्ट करवाते हैं और घी भी स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के कंडीशन के हिसाब से। हम आपको फास्ट फूड भी खाने के लिए बोलते हैं, पूरी पराठे भी खाने के बोलते हैं, लेकिन जब आपको दवा लेते हुए 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, आपकी बॉडी में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, तब जाके हम आपको बताते हैं कि अब आप कभी कभी पूड़ी पराठे खा सकते हैं, कभी मिठाई भी खा सकते हैं, कभी आप घी भी खा सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीजें मना होती है। बहुत ज्यादा मीठा मीठा से पेट नहीं भरना है। खाना के बाद थोड़ा सा स्वीट आप खा सकते हैं, लेकिन खाना अगर आप पता चला कि आप गाजर के हलवा से ही आपने पेट भर लिया, आपने खीर से ही अपना पेट भर लिया, तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि शुगर को पचाना सबसे मुश्किल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अनाज भी पचने के बाद शुगर बनाता है, और अगर हम शुगर ही खाएंगे तो शुगर पचने के बाद और ज़्यादा शुगर बनाएगा, तो जो कि हमारी बॉडी में लाइपोमा के लिए भी नुकसान होता है और दूसरे ऑर्गन के लिए भी नुकसान होता है, तो ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें आपको एकदम से नहीं पीनी है। ठंडा पानी भी हमारी बॉडी की पाचन क्रिया को कमजोर कर देता है, अग्नि को मंदा कर देता है, तो आप हमेशा नॉर्मल पानी पिएं। गुनगुना पानी भी लंबे समय में ना पिएं। गुनगुना पानी आप सर्दियों
सर्दियों में सुबह खाली पेट थोड़ा सा पी सकते हैं, लेकिन दिन में आप नॉर्मल बर्तन का पानी पिएं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना पिएं। ठंडा पानी तो आपको गर्मियों में भी नहीं पीना है और सर्दियों में भी नहीं पीना है। ठंडा पानी की जगह आप बर्तन का पानी नॉर्मल जो रहे उसको पीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे कि आम की चीज़ें, इमली की चीज़ें, नींबू की चीज़ें और टमाटर की चीज़ें आपको नहीं खाना है, इसमें ये प्रॉब्लम करती हैं। खाना खा के तुरंत आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हम तुरंत सब सो जाते हैं तो पेट में हमारा खाना भरा रह जाता है और उसको पचने में बहुत समय लगता है, जो कि वायु दोष का निर्माण करता है और हमको लाइपोमा में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आपको ज़्यादा मास्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है और हमारे लाइपोमा में दिक्कत होती है। बहुत से लोगों को आता हूं कि हल्का खाना खाइए, तो वो क्या करते हैं, सुबह दो रोटी, दोपहर को दो रोटी और रात में दो रोटी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सुबह आप दलिया खाओ, ओट्स खाओ, फ्रूट खाओ, कभी कभी पोहा ले लो, कभी कभी एक आध दो रोटी भी ले लो, कभी कभी चने फ्राई करके खाओ, ये हल्का खाना होता है। लेकिन आप डेली रोटी ही खाओगे, डेली परांठे ही खाओगे, वो डाइट आपकी गलत हो जाएगी। तो फिर को मैं बोलता हूँ केवल दाल चावल खाओ और सलाद खाओ, रात को आप सब्जी रोटी और सलाद खाओ। अगर सर्दियां हैं तो रात को सलाद नहीं खानी है, सुबह सलाद नहीं खानी है, दोपहर को सलाद खानी है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका लाइपोमा कभी नहीं बढ़ेगा और जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान जल्दी से ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने जिन जिन पेशेंट के मेरे रिजल्ट देखे हैं, जिन जिन लोगों की मैं फोटो डालता रहता हूं, वो उसी प्रकार के रूल्स को फॉलो करते हैं, इसी प्रकार की डाइट को फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट मिलते हैं। उनकी मैं डाइट की भी फोटो डालता हूं, उनके पूरी वीडियो भी बनाता हूं और वो भी आपको यही बताते हैं कि आपको इस प्रकार की डाइट को फॉलो करना है। अगर आप इस प्रकार की डाइट को फॉलो करोगे तो आपको नया लाइपोमा भी नहीं होगा, लाइपोमा ठीक भी होता जाएगा और लाइपोमा की जब दवा आपकी खत्म होगी तो उसके बाद नया लाइपोमा बनेगा भी नहीं। तो इन चीजों को फॉलो करें और लाभ उठाएं।